पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बहुत ही जबरदस्त नृत्यांगना और अभिनेत्री की, जिन्होंने फिल्मों में कमाल कर दिया। इनका नाम रखा गया शशिकला शेषाद्री। फिल्मों में इन्हें हम मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानते हैं। इसीलिए तो आप हमें पसंद हैं। और हमें पसंद है ये रंग रूप। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर सन 1963 में हुआ, जगह सिंदरी, जो कि अब झारखंड में है। इनका शुरुआती प्रशिक्षण हुआ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और उड़ीसी। इनके गुरु रहे वेम्पति चिन्ना सत्यम और जयरामा राव। ऐसा भी बताया गया इन्होंने ईव्स वीकली मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता था सन 1981 में, जब ये मात्र 17 बरस की थी। और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था मिस इंटरनेशनल 1981 में, जो कि जापान के टोक्यो शहर में हुआ। हालांकि जबरदस्त स्टारडम मीनाक्षी शेषाद्री ने देखा, पर एक अरसे के बाद इन्होंने गुमनामी की दुनिया को चुना और ये विदेश चली गयी। हेलो हेलो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी, आप जाइए। मास्टर जी, ये एक मास्टर को दूसरे मास्टर से कहने वाली बहुत जरूरी बात है, आप जाइए। नजर डालते हैं मीनाक्षी शेषाद्री के करियर और जिंदगी पर। इन्होंने शुरुआत करी थी फिल्म पेंटर बाबू के साथ। फिल्म पेंटर बाबू से खासी उम्मीदें थी, पर बॉक्स ऑफिस पर यह वो कमाल न दिखा पाई जिसकी तमन्ना की जाती थी। और इस बात से निराश होकर मीनाक्षी शेषाद्री ने यह मन बना लिया था कि अब वो सदा सदा के लिए एक्टिंग छोड़ देंगी। ये वाकई बहुत नाउम्मीद हो गई थी। और तब महान फिल्म मेकर और शोमैन सुभाष घई ने मीनाक्षी शेषाद्री को बहुत प्रोत्साहन दिया, कहा कि तुम मेरी फिल्म में काम करो। ये वो वक्त था जब सुभाष घई साहब किसी बहुत बड़े स्टार के साथ फिल्म नहीं बनाना चाहते थे कि कुछ नए चेहरे हों। फिल्म बनाई हीरो, जिसमें नया लड़का आया जैकी श्रॉफ और एकदम नई लड़की मीनाक्षी शेषाद्री। फिल्म हीरो ने बॉक्स ऑफिस पे आग लगा दी। इस फिल्म का मुकाबला था कुली के साथ, वो फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। शुरुआत में तो हीरो जरा मध्यम गति से चली, पर उसके बाद सभी ने कहा कि हीरो और हीरोइन हो तो जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री जैसे। थैंक यू सो मच। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ये नजर आई फिल्म आवारा बाप में। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर वो नतीजे नहीं दिए जिसकी उम्मीद की गई थी। ये अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी नजर आई फिल्म शहनशाह में। बच्चन साहब के साथ इनके गाने भी बड़े मकबूल हुए। जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी खूब जमी। फिल्म मेरी जंग में इनका अभिनय देखते ही बनता है। इनकी और अनिल कपूर की केमिस्ट्री बेजोड़ मानी गई। डैडी मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। मुनीम जी तारीख भी पक्की करने चले गए। अचानक डैडी ने तुम्हारी शादी पक्की कैसे कर दी? डैडी ने कल रात तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया था। मीनाक्षी शेषाद्री ने एक बहुत ही हटके फिल्म में भी काम किया था। फिल्म का नाम था स्वाति। इनके अभिनय को बहुत सराहा गया। सभी ने कहा कि कितना परिपक्व है इनका अभिनय। और इस फिल्म में इत्तफाकन इनके साथ थी माधुरी दीक्षित भी। इन फिल्मों के बाद ये बात तो साबित हो गई थी कि मीनाक्षी शेषाद्री टॉप की हीरोइन बन चुकी हैं, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स रहे जैसे कि राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन, या फिर उभरते सुपरस्टार्स जैसे कि जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सनी देओल। इन सभी के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। हीरो घर से रवाना हो गया है कह दो बस, बेचारा डायरेक्टर यहीं उठकर खड़ा हो जाएगा। साला एक नंबर का चमचा है। फिल्म घायल में इनका अभिनय देखते ही बनता था। विनोद खन्ना साहब के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी, जैसे कि सत्यमेव जयते और जुर्म। 90 की दहाई में इन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। फिल्म का नाम था आपर बंदबोड्डू, जिसमें इनके हीरो थे चिरंजीवी। चिरंजीवी साहब के साथ ये हिंदी फिल्म आज का गुंडा राज में भी नजर आई थी। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने ये बता दिया कि मीनाक्षी शेषाद्री सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है। राजकुमार संतोषी की ये फिल्म दामिनी को कैसे भुलाया जा सकता है। इस फिल्म में इनके अभिनय को बहुत सराहा गया। इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। थैंक यू सो मच। आपका बैग। और उसके बाद मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी में वो मोड़ आया जब ये सब कुछ छोड़कर अमेरिका चली गयी। वाकई इस बात ने बहुत से लोगों को हैरत में डाल दिया था कि इतनी जबरदस्त हीरोइन, जिसने एक से बढ़कर एक हीरो के साथ काम किया हो, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हो, चाहे वो मल्टी स्टारर्स रही या फिर सोलो हीरो हीरोइन वाली फिल्में, इस सब के बावजूद भी ये क्यों चली गईं? इनकी फिल्म आवारगी को आज भी लोग याद रखते हैं। फैमिली ड्रामास जैसे कि घर हो तो ऐसा, एक्शन फिल्म जैसे कि घायल, इन सभी में इनका अभिनय देखते ही बनता है। लेकिन इन्होंने शादी का फैसला कर लिया था। ये जैसे भी है मेरे पति हैं और मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। इनका विवाह हुआ इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से। साल रहा सन 1995। उसके बाद
ये न्यूयॉर्क चली गईं। अमेरिका में ही इन्होंने टेक्सास के प्लानो इलाके में अपना घर बसा लिया। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अमेरिका में इन्होंने भरतनाट्यम सिखाना शुरू किया, कथक और उड़ीसी भी। बीच में एक आध टीवी इंटरव्यू में मीनाक्षी शेषाद्री जरूर नजर आईं, लेकिन फिल्मों से दूर ही रहीं। बहुत ही कम समय में इन्होंने एक बहुत लंबा करियर देखा, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने शुरुआत कर भी दी थी। तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यकीनन भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं, तो वो हैं मीनाक्षी शेषाद्री। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।